नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टॉक मार्केट अपडेट के चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिसिल के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हो, ये कंपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, म्यूचुअल फंड्स और कंपनी को ये रेटिंग देती है। अगर हम स्टॉक की बात करें तो फ्राइडे को इसका क्लोजिंग था 1439.05 पैसे, और परसेंटेज देखेंगे तो लगभग 3.58% डाउन है। अगर हम इनकी 52 वीक लो की बात करें तो 1335 का है, और 52 वीक हाई 2021.70 पैसे का है। लगभग ये 52 वीक लो पे ही चल रहा है और ये स्टॉक काफ़ी प्रेशर में चल रहे हैं। जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हो, 6 महीने का चार्ट मैंने निकाला है, ये लगभग 1700 पे था, बाद में नीचे आया, बाद में फिर से ऊपर गया, अभी फिर से नीचे ही आया है। इन्होंने हाल ही में डिविडेंड डिक्लेयर किया है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। उसके पहले हम इनका मार्केट कैप देखते हैं। इनका मार्केट कैप जो है 10,353.35 करोड़ का है, और डिविडेंड ये हर साल काफ़ी अच्छा देती है, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि ये हर क्वार्टर भी काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है। पिछले टाइम इन्होंने दिया था 1800% का डिविडेंड दिया था, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का है। अभी फ़िलहाल ये स्टॉक काफ़ी प्रेशर में चल रही है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं। और इस कंपनी में फेमस इन्वेस्टर मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी, इनके भी काफ़ी अच्छा होल्डिंग है। आगे हम उसी के बारे में बात करेंगे, कितना परसेंट का होल्डिंग है उनका। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने मनी कंट्रोल के वेबसाइट से ही ये न्यूज़ निकाला है। इसमें लिखा है राकेश झुनझुनवाला 3.77% होल्डिंग है, यानी कि 2,716,750 शेयर्स होते हैं। और इनकी वाइफ रेखा झुनझुनवाला, इनके पास 1.73% होल्डिंग है, जो कि लगभग 1,248,250 शेयर्स होते हैं। और अगर हम दोनों मिलाकर बात करें तो 5.50% की होल्डिंग है। अगर हम इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की 67.58% की शेयर होल्डिंग है, और बाकी FII प्लस DII की 32.42% की होल्डिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और अगर हम फाइनेंशियल की बात करें, फाइनेंशियल रिजल्ट की, तो दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा बड़ा है सितंबर क्वार्टर से सेल का टर्नओवर इनका। अगर हम सितंबर क्वार्टर की बात करें तो इनका सेल का टर्नओवर था 281 करोड़ का, और दिसंबर क्वार्टर में 317 करोड़ का। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो इनको सितंबर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट हुआ था 65 करोड़ का, और दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो 93 करोड़ का, जो कि काफ़ी बड़ा है इस टाइम। अगर हम सेम पीरियड 2017 की बात करें तो इनका सेल का टर्नओवर था 306 करोड़ का, और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो इनका नेट प्रॉफिट हुआ था 64.22 करोड़ का, जो कि इस टाइम काफ़ी अच्छा बड़ा है। और अगर हम इनकी डिविडेंड की बात करें तो कंपनी हर क्वार्टर काफ़ी अच्छी डिविडेंड देती है। तो अभी रिसेंटली इन्होंने डिविडेंड फरवरी महीने में दिया था, जो कि 1100% का इन्होंने डिविडेंड दिया था, जो कि काफ़ी अच्छी है बात है शेयर होल्डर्स के लिए। ये कंपनी हर साल 4 टाइम डिविडेंड देती है, यानी कि हर क्वार्टर में ये डिविडेंड देती है। जिसके पास भी ये स्टॉक है वो होल्ड करे। अगर हम बोनस की बात करें तो कंपनी ने अब तक बोनस नहीं किया है। स्टॉक प्लिट की बात करें तो 2011 में इन्होंने स्टॉक प्लिट किया था। वैसे ये कंपनी तो काफ़ी अच्छी है, अभी फ़िलहाल ये प्रेशर में चल रही है। अगर किसी को ये स्टॉक लेना है तो आप अपना रिसर्च ज़रूर कीजिए, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कीजिए। हमारी राय यही होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने इनका लेटर निकाला है, इसमें मेंशन है कि रिसेंटली इन्होंने 1100% का डिविडेंड दिया है 1 रुपया फेस वैल्यू के ऊपर, जो कि 11 रुपीज़ होता है। इसमें लिखा है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ ऑल्सो रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹11 पर इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹1 ईच फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग डिसम्बर 31, 2018, सब्जेक्ट टू अप्रूव।
तो अगर हम इनकी रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 28 मार्च इनका रिकॉर्ड डेट है। जिस किसी के भी पास स्टॉक है वो 28 मार्च तक होल्ड करे ताकि आप एलिजिबल हो और 28 मार्च तक आपके बैंक अकाउंट में ये डिविडेंड आ जाएंगे। तो आज सिर्फ यही बताना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। चलिए, थैंक यू।